स्किल्स लेके आई हूँ डिजिटल कम्युनिकेशन के। देखिए, मैंने आपको पहले फर्मी लेवल से रिलेटेड थ्योरी में बता रही थी, लेकिन मैं बीच बीच में एमसीक्यूज की भी सीरीज़ स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स कई बार पढ़ चुके हैं, तो मैं उसको फिर टू दी पॉइंट बताऊँगी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगी, लेकिन मैं इसलिए भी बीच बीच में एमसीक्यूज कराती हूँ ताकि आपको बोरियत ना महसूस हो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैथड यूजिंग विच द एरर प्रोपिगेशन इन डी ओ बाइनरी सिग्नलिंग कैन बी अवॉइडेड इज फिल्टरिंग, प्री कोडिंग, पोस्ट कोडिंग और नन। देखिए, इसका आंसर होगा प्री कोडिंग। ओके, क्यों होगा? बिकॉज इन डी ओ बाइनरी सिग्नलिंग मैथड इफ वन एरर अकर्स, अगर कोई वन एरर होती है, इफ वन एरर अकर्स रिपीटेडली, दैट मीन्स इट रिपीट्स एवरीवेयर थ्रू आउट द नेक्स्ट स्टेप्स, टू अवॉइड दिस प्री कोडिंग मैथड इज यूज। क्यों होता है? इफ वन एरर अकर्स देन इट रिपीट्स एवरीवेयर थ्रू आउट द नेक्स्ट स्टेप्स, थ्रू आउट द नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। एंड टू अवॉइड दिस वी यूज प्री कोडिंग मैथड टू अवॉइड द एरर्स दैट may occur in between where it has the chance to repeat everywhere throughout the next steps. So in order to avoid this, precoding method is used. Okay. Next question is, the transformation of the waveform into a single point in single space. Okay. अगर देखा जाए, then what it is called? Vector point, pre-detection point, pre-amplification point or transformation point? See, the first step of detection process is to reduce waveform into a single. To reduce waveform into a single or group of random variable. Into a single or group of random variable. RV means random variable. The first step, ye to hota hai aapka detection ka first process. It is the detection process. In order to achieve the detection process, you have to reduce the waveform into a single or group of random variable. Random variables whose outcomes are unpredictable in nature. Okay, but in the first step of transformation of waveform into a point in single space, this is called a pre-detection point. इसको detection के पहले हमें transformation करना पड़ता है. The transformation of the waveform into a single point in single space, उसको pre-detection point बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वर्ड्स, मान लीजिए दिस इज अ कोड वर्ड वन, दिस इज अ कोड वर्ड टू, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इट इज इक्वल टू डैश ऑफ द थर्ड कोड वर्ड विच इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू कोड वर्ड्स. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू सम ऑफ द दैट इज द ये जो डिस्टेंस है थर्ड कोड वर्ड के इक्वल होगी, विच विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टू कोड वर्ड्स. तो इसको हम क्या बोलेंगे? द सम ऑफ टू कोड वर्ड गिव्स अ थर्ड कोड विच इज कॉल्ड अ लीनियर कोड. इसको हम लीनियर कोड भी बोलते हैं. व्हाट इट इज कॉल्ड एज लीनियर कोड, ठीक है. अब आप इसमें देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वर्ड्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द थर्ड कोड वर्ड. तो आंसर क्या आएगा? वेट. इसको हम क्या बोलेंगे? वेट ऑफ द थर्ड कोड वर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि फोर्थ है, विच इज द प्राइमरी कॉज फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एरर परफॉर्मेंस. डिग्रेडेशन मतलब द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल गेट्स रिड्यूस्ड. प्राइमरी कॉज क्या होता है इन ऑर्डर, जिससे कि आपकी एरर की परफॉर्मेंस की डिग्रेडेशन हो? लॉस इन सिग्नल टू नॉइज रेशियो, नो सिग्नल डिस्टॉर्शन, नो सिग्नल डिस्टॉर्शन एंड लॉस इन SNR. यस, दिस इज ट्रू. देर आर टू प्राइमरी कॉजेज फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ एरर परफॉर्मेंस. एक तो होता है लॉस इन सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ओके, एंड दूसरा होता है सिग्नल डिस्टॉर्शन विच इज कॉज्ड बाय द इंटर सिम्बॉलिक इंटरफेरेंस, ISI. डिस्टॉर्शन इज द चेंज इन द शेप ऑफ द वेव फॉर्म और द सिग्नल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, इन ट्रांसमिशन मीडिया द सिंबल टाइप इज जनरली, कौन सा सिंबल होता है? दिस इज जनरली एनालॉग, ये एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीन्यूएशन इज अ फंक्शन ऑफ, ये तो मैंने आपको बताया था. एटीन्यूएशन मेनली जो होता है, इट इज द लॉस ऑफ द सिग्नल थ्रू फ्री स्पेस. अल्फा होता है ना, तो मेनली हम क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ सिग्नल थ्रू फ्री स्पेस, ठीक है. अब इसमें आप देखिए, चैनल लेंथ की वजह से होता है, ट्रांसमिशन मीडिया भी रोल प्ले करता है, सिग्नल फ्रीक्वेंसीज भी करती है. यस, दिस इज ऑल ट्रू. एटीन्यूएशन इज अ फंक्शन ऑफ चैनल लेंथ, ट्रांसमिशन मीडिया एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसीज. अब ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है. ट्रांसमिशन मीडिया द सिंबल टाइप इज
जनरली इट इज एनालॉग है तो हो जाते हैं, कई बार इसमें क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। विच शुड बी केप्ट एज अ सीक्रेट इन पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, ये है क्रिप्टो सिस्टम। देखिए आंसर क्या आएगा आपका, डिक्रिप्शन की। डिक्रिप्शन की नीड्स टू बी केप्ट एज अ सीक्रेट आउट ऑफ द दीज ऑप्शंस। डिक्रिप्शन की नीड्स टू बी केप्ट एज अ सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो एएम टू एएम कन्वर्जन ब्रिंग्स अबाउट व्हाट। देखिए एएम टू एएम कन्वर्जन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कन्वर्जन जो होता है, इट इज़ अ फिनोमिना विच इज़ कॉमन टू दी नॉन लीनियर डिवाइसेस। मेनली ये नॉन लीनियर डिवाइसेस में ही रोल प्ले करता है, नॉन लीनियर डिवाइसेस। ओके, एंड इट अंडरगोज अ नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स इन एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो आंसर क्या होगा, एम्पलीट्यूड वेरिएशन। इसकी वजह से क्या होगा, नॉन लीनियर डिवाइसेस में जब ये प्रोसेस फिनोमिनन एम टू एम कन्वर्जन होगा तो इट इंडरगोज अ नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड देयर अकर्स अ स्लाइट शिफ्ट चेंजिंग बिहेवियर इन द एम्पलीट्यूड। ओके, नेक्स्ट है द पीडीएफ ऑफ द एनवेलप ऑफ नैरो बैंड नॉइज इज सी। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो आपका पीडीएफ है, दैट मीन्स FXX, ये आपने पढ़ा होगा। सो इसका एनवेलप ऑफ नैरो बैंड नॉइज जो होगा, इट इज़ अ गॉशियन फंक्शन, ये गॉशियन फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ डायरेक्ट CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इंटरफेरेंस विल अकर इफ द PN कोड्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, नॉन ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और ऑर्थोगोनल नॉन ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और नन। आंसर विल बी नॉन ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इफ द PN कोड्स, सूडो रैंडम नॉइज कोड्स होते हैं ना, इफ दिस PN कोड्स आर प्योरली नॉट प्योरली ऑर्थोगोनल इन डायरेक्ट CDMA इंटरफेरेंस विल अकर। इंटरफेरेंस कब होगा, इंटरफेरेंस विल अगर इफ द PN कोड्स आर नॉन ऑर्थोगोनल, दैट मीन्स इफ PN कोड्स आर नॉट प्योरली ऑर्थोगोनल, दिस इज द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस टू अकर। इफ PN कोड्स आर नॉट प्योरली ऑर्थोगोनल देन इंटरफेरेंस अकर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज मोर एफिशियंट, पैरिटी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, parity and cyclic redundancy check, बताइए कौन सा होगा। The answer will be cyclic redundancy check, मतलब जो CRC होता है, CRC, it is more efficient than parity check. Next question है, the method of converting a word to stream of bits is called, मतलब एक word को आप stream of bits में convert कर रहे हैं, so it is called as source coding. Source coding is the method of converting a word to a stream of bits, that means binary zeros and ones. So answer will be source coding. Next question है, the transmitted pulse becomes distorted due to, किसकी वजह से होता है? A transmitted pulse slowly and gradually becomes distorted due to non-ideal transmission characteristic of the channel. ये मैंने आपको बताया भी था, non-linear frequency response of the channel behavior. Next question है, structured sequences are block codes, convolutional codes, turbo codes. See, structured codes sequences are those which add structured redundancy to the source code. Structured sequences क्या होते हैं? देखिए, structured sequences होते हैं which add structured redundancy. Redundancy to source code. तो example जो है turbo codes हैं, block codes हैं, convolution codes हैं, सारे examples हैं structured sequences के. So structured sequences वो sequences होते हैं जो कि redundancy, मतलब क्या होता है, addition of the extra bits, structured redundancy add करते हैं to source code. Okay? Next question है आपका, what is connection oriented and which is connectionless? देखिए डेटाग्राम, आपका जो डेटाग्राम होता है ये कनेक्शन लेस होता है, दिस इज कनेक्शन लेस, एंड वर्चुअल सर्किट्स जो होते हैं ये कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कनेक्शंस इसमें होता है, दैट मींस वर्चुअल सर्किट्स आर अलाउ अ फिक्स्ड पाथ इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द डेटा पैकेट्स, एंड आफ्टर अचीविंग दैट फिक्स्ड पाथ एंड आफ्टर दे हैव सक्सेसफुली फुलफिल्ड
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा थ्रू फिक्स्ड पाथ, दे जस्ट द कनेक्शन गेट्स ब्रेक्ड। डेटाग्राम्स डू नॉट अलाउ एनी फिक्स्ड पाथ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अ डेटाग्राम बेस्ड नेटवर्क इज अ ट्रू पैकेट स्विच नेटवर्क, देर इज नो फिक्स्ड पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क यूजेज अ फिक्स्ड पाथ फॉर अ पर्टिकुलर सेशन, जिसके बाद क्या होता है, इट ब्रेक्स द कनेक्शन, कनेक्शन को तोड़ देता है। अनदर पाथ हैज टू बी सेटअप फॉर द नेक्स्ट सेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट नॉइज। शॉर्ट नॉइज अकर्स इन, आपको पता है शॉर्ट नॉइज अकर्स इन सेमी कंडक्टर डिवाइसेज लाइक योर टनल डायोड जंक्शंस, या आपका जैसा जो भी है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ही होता है, ट्रांजिस्टर्स एंड वॉल्व्स में होता है। शॉर्ट नॉइज इट अकर्स ड्यू टू द रैंडम फ्लक्चुएशंस ऑफ द करंट, करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए शॉर्ट नॉइज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ रैंडम फ्लक्चुएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन डीसी करंट विच ओरिजिनेट्स ड्यू टू द फैक्ट करंट जो होता है इट एक्चुअली कंसिस्ट्स ऑफ ए फ्लो ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। यहाँ पे डिस्क्रीट चार्जेस, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग दैट मीन्स द करंट इज पास, करंट हैज टू बी पास थ्रू इट। तो करंट जो है इट एक्चुअली कंसिस्ट्स ऑफ द फ्लो ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो शॉर्ट नॉइज पर्टिकुलरली नोटिसिबल होता है इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक टनल जंक्शंस, शॉटकी बैरियर डायोड्स एंड पीएन जंक्शंस। शॉटकी बैरियर डायोड्स में या पीएन जंक्शंस में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंटिलेशन डिस्क्राइब्स द फेडिंग कॉज्ड बाय। देखिए सिंटिलेशन क्या होता है, जगमगाहट, झिलमिलाहट, यही होता है ना सिंटिलेशन इफेक्ट, ठीक है। जगमगाहट बोलेंगे या उसको चमक बोलेंगे, सिंटिलेशन मतलब चमक, हिंदी वर्ड है, या जगमगाहट, जगमगाहट यही होगा ना। इट डिस्क्राइब्स द, एक्चुअली ये फेडिंग इफेक्ट होता है, तो इट डिस्क्राइब्स द फेडिंग कॉज्ड बाय फिजिकल चेंजेस इन द प्रोपेगेटिंग मीडियम। ये किसकी वजह से होता है, फिजिकल चेंजेस इन द प्रोपेगेटिंग मीडियम, इन द प्रोपेगेटिंग मीडियम। ओके, अब आप इसमें देखिए सिंटिलेशन में ये भी लिखा है कि इट इज द प्रोसेस इन विच द एनर्जी फ्रॉम अ सर्टेन रेडिएशन इंटरैक्टिंग विद इन अ वॉल्यूम ऑफ सेंसिटिव मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक तरह से फेडिंग इफेक्ट ही है, जिसमें से बहुत झन्नाहट होती है, चमक पैदा होती है, जो कि किसी रेडिएशन से एनर्जी निकलती है और जो किसी एक सेंसिटिव मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है द नॉइस फिगर मेजर्स एस एन आर डिग्रेडेशन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नॉइस फिगर रिलेट्स द एस एन आर ऑफ इनपुट, एस एन आर ऑफ इनपुट टू एस एन आर ऑफ आउटपुट। इट मेजर्स द एस एन आर डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिट विच रिप्रेजेंट्स द थ्रेश होल्ड ई बी बाय एन नॉट। ई बी बाय एन नॉट क्या होता है, बिट एनर्जी बाय नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी कॉन्स्टेंट, यही होता है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शैनन लिमिट बोलेंगे। द लिमिट विच रिप्रेजेंट्स द थ्रेश होल्ड ई बी बाय एन नॉट वैल्यू बिलो विच द रिलायबल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी मेंटेन्ड, उसको बोलते हैं शैनन लिमिट। ई बी बाय एन नॉट हैज अ वाटरफॉल शेप, इसकी एक वाटरफॉल शेप होती है। शैनन लिमिट गिव्स द थ्रेश होल्ड, ऑलवेज रिमेंबर द शैनन लिमिट ऑलवेज गिव्स अ थ्रेश होल्ड वैल्यू दैट क्रिटिकल वैल्यू बिलो विच द सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कैन नेवर बी मेंटेन्ड। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे चाहिए, अच्छे लग रहे हैं तो मैं इनको कंटिन्यू करूँ।